है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ वाइनी समझा। इस YouTube चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंचे हुए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी दिया हुआ है ठीक, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वान्तर लिखिए। प्रथम पद जिसको ए या ए वन या टी वन से निरूपित करते हैं वो ज्ञात करना है, और सार्वान्तर जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं वो ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 3, -1, -3 .. तो श्रृंखला के रूप में पहले लिख दिए, जो श्रृंखला 3, -1, -3 जो एपी है। तो ए बराबर 3, ए टू बराबर 1, ए थ्री बराबर -1, ए फोर बराबर 3। तो डी वन बराबर फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन या ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक माइनस तीन माइनस दो निकला, फिर डी टू ज्ञात कर लिए, ए थ्री माइनस ए टू माइनस एक बराबर माइनस दो, दोनों बराबर आ गया। अतः तो एपी का प्रथम पद 3 तथा सार्वान्तर माइनस दो है। फिर दूसरा क्वेश्चन में -5, -1, 3, 7 दिया हुआ है, तो श्रृंखला में लिख दिए -5, -5, -1, 3, 7 .. जो एपी है वो तो आपको क्वेश्चन में ही कह रहा कि ये जो श्रृंखला है वो एपी का श्रृंखला है, इसलिए जो एपी है। तो ए बराबर -5, डी बराबर सॉरी ए बराबर -5, ए टू बराबर -1, ए थ्री बराबर 3 और ए फोर बराबर 7 होगा। डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन, तो -1, -5 तो -1, +5 = 4। डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू 3 और -1 3 जो 1 = 4। अतः एपी का प्रथम पद -5 तथा सार्वान्तर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 .. श्रृंखला के रूप में लिख दिए, यहाँ लिख देंगे जो एपी है, क्योंकि ये एपी में है इसलिए एपी लिखे। तो ए बराबर 1/3, ए टू बराबर 5/3, ए थ्री बराबर 9/3, ए चार बराबर 13/3। डी वन का फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन 5/3, -1/3, 3 लघुत्तम हो गया, 5 में से 1 को घटा लिए 4/3। फिर डी टू ज्ञात करेंगे ए थ्री माइनस ए टू बराबर 9/3 घटे 5/3 = 9/5, 5/5 = 4/3। अतः एपी का प्रथम पद 1/3 तथा सार्वान्तर 4/3 है। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करना न भूलें। अब इस 3 नंबर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन चौथा, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये लिखा हुआ है। तो श्रृंखला के रूप में लिख दिए जो एपी है, लिख देते हैं जो एपी है, श्रृंखला के रूप में वही लिखते हैं जो क्वेश्चन है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ए बराबर 0.6, ए टू बराबर 1.7, ए तीन बराबर 2.8, ए चार बराबर 3। डी वन का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, तो 1.7 घटे 0.6 = 1। डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू 2.8 - 1.7 = 1। अतः एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यही होगा 0.6 तथा सार्वान्तर जो निकला 1.1 है। अगर आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।